आप सब लोग जान रहे हैं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र का मंदिर है उसकी मर्यादा को किस प्रकार से सम्मान को तार तार किया गया और देश से काला दिन के रूप में देख रहा है। कई सवाल मुख्यमंत्री पर उठ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने कल कई बातें जो हैं कहने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को थोड़ा इतिहास पता होना चाहिए। इस लोकतंत्र के मंदिर में किस प्रकार से विधायकों को लात जूतों से महिलाओं का चीर हरण साड़ी खोलने का काम किया गया, घसीटा गया, सादे कपड़ों में नीतीश कुमार जी के पुलिसिया गुंडे जिस प्रकार से विधायकों को जूते मारने का काम किया, आप सब लोगों ने इसको देखने का काम किया है। ये किसी से छुपा नहीं, महिलाओं का जिस प्रकार से साड़ी खुला, कई जो पत्रकार और कैमरामैन थे उन्होंने मुंह फेरने का काम किया, लेकिन नीतीश जी ने कल सदन में उसकी कोई निंदा नहीं, बल्कि अधिकारियों को उन्होंने क्लीन चिट देने का काम किया। नीतीश जी से हम लोग पूछना चाहते, क्या ये सदन में किसी बिल का विरोध करना पहली बार हुआ है या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है? लेकिन हाँ, ये जरूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने अपना ही एक्ट जो है वो पास कराने का काम किया। नीतीश जी को हम याद दिला दें कि इसी सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में 1977 में अध्यक्ष की कुर्सी पर जो समाजवादी नेताएं थे उस समय विधायक थे, जो वो आसन पर बैठ के हाउस चलाने का काम किया गया था। आज से 46-47 साल पहले समाजवादियों ने आसन पर बैठ करके हाउस को चलाने का काम किया था। उस समय की सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के सरकार ने किसी को बुलाया तो नहीं उठाने के लिए। खुद कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में सशस्त्र बिल जो है वो लेकर के आए थे। विपक्षियों के आपत्ति के बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का काम किया था। 1986 में आप लोग याद कीजिएगा, 1986 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जो है वो हाउस के सदस्य थे और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय मुख्यमंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष रहे 1986 में, और HEC को लेकर के 3 दिन 3 रातों तक विधानसभा में ही धरना दिया और सोए। उस समय नीतीश कुमार जी खुद सदन के सदस्य थे जब कर्पूरी जी 3 दिन तक लगातार सदन के अंदर वहीं सोए, वहीं धरना दिया गया। तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कभी भी पुलिस को नहीं बुलाया गया। इनसे बड़ा झूठा व्यक्ति, नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई झूठा व्यक्ति किसी ने नहीं देखा ना कोई जाना। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज वो मर्यादा की बात कर रहे हैं, स्पीकर की मर्यादा की बात कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री इसी सत्र में उंगली दिखा दिखा करके बहसबाजी करते हैं, तब तो मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तो मर्यादा की बात नहीं करते।
आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उनके ही मंत्री ने अध्यक्ष की तोहीन करने का काम किया, आसन की तोहीन करने का काम किया, तब भी जो है मुख्यमंत्री इस पे शर्मिंदगी जो है प्रकट नहीं कर पाए। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से इस पूरे सत्र में धमकाने का काम किया गया विपक्षी नेताओं को मुख्यमंत्री द्वारा, बात बात पे आप बबूला होते रहे, मुख्यमंत्री देख लेंगे तुमको, धमकी देने का काम किया गया, आप सब लोगों ने इसको देखा। हम पे आरोप लगाया गया, हमको बोला गया कि हम देख लेंगे कार्रवाई करिए, हमारे साथियों को बोला गया कि हम देख लेंगे कार्रवाई कीजिए, माले के लोगों को बोला गया, माले के लोगों को तो ये बोला कि गलती से जीत के आ गए। क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में नहीं कहा जो आप सब लोगों ने इस सत्र में देखा। जितने भी तार्किक हमारे प्रश्न रहे हैं, कोई भी तार्किक जवाब पूरे सरकार ने मुख्यमंत्री सहित किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं देने का काम किया। और बहस का स्तर सरकार के मंत्रियों ने इतना गिरा दिया है जो आप सब लोग देख सकते हैं, सारा ऑन रिकॉर्ड है, फुटेज है, सब कुछ है। जिस प्रकार से पूरे सदन में बंदूक के नोक पर जो बिल पेश कराया गया, उन अधिकारियों को नीतीश कुमार क्लीन चिट दे रहे हैं। यही कारण है कि कोई घटना होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा अपराध होता है, कोई पेपर लीक होता है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों को ही क्लीन चिट देने का काम करते हैं। इस वजह से अफसरशाही जो है पूरे बिहार में बढ़ी हुई है। जिस दिन एग्जिट पोल आना था, आया, उसके इनके ही खासम खास अधिकारी जो थे, जो चहेते अधिकारी, हमको फोन कर करके क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं बताया गया। तो नीतीश कुमार जी तो पलटी मारते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े पलटीबाज तो अधिकारी लोग होते हैं। और नीतीश जी तो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारे 200 से भी ज्यादा जो है वो फुटेज उन अधिकारियों के हैं जो बर्खास्त हैं, और जो मुख्यमंत्री के सौजातीय के लोग हैं, जिन्होंने के बदौलत विधानसभा में इन्होंने विधायकों को अपमानित करने का काम किया, मारपीट करने का काम किया। सारा फुटेज हम लोगों के पास रखा हुआ, कई पत्रकारों को जो पीटा गया, सारी फुटेजेस हैं हमारे पास, किन किन लोगों ने कौन कौन पत्रकार को पीटा, सारा ऑन रिकॉर्ड है। हाउस पे लोकतंत्र में ऐसे सत्ता नहीं चलती, सरकार नहीं चलाई जाती। हम लोगों का डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राइट है कि जो चीज अगर गलत है उसको सदन में हम लोग गलत बोल, मुख्यमंत्री कहते रहे हमको बोलने बहस करना चाहिए था, हमने वो वीडियो भी डाला जहां हमको बोलने नहीं दिया गया। और मेरे कौन से सवाल का जो है जवाब मुख्यमंत्री जी ने आज तक देने का काम किया। ये बिहार पुलिस जो है आप कह सकते हैं ये जदयू पुलिस हो गई है, ये नीतीश कुमार जी की पुलिस हो गई है, जदयू की पुलिस हो गई है। और ये अधिकारी लोग भी समझ लें, मुख्यमंत्री भी समझ लें कि हम भाजपा के लोग नहीं है जो इनके लाठी डंडे से हम लोग डरने का काम करेंगे। हमारा लड़ाई चलता रहेगा और हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। नीतीश कुमार जी ने जो काला कानून जो पेश किया है इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो संशोधन उनको करना पड़ेगा। किस तरह का कानून है ये? जब सीआरपीसी में पुलिस को राइट है
गिरफ्तारी करने का आपके सब पुलिस के सामने कोई घटना होनी है तो गिरफ्तार कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।